नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 के हिस्ट्री का VVI ऑब्जेक्टिव। यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, वहाँ जाके आप उसको देख लीजिए और एक नोटबुक बना लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस बार 2021 में इससे बाहर का कोई भी ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री से नहीं आएगा। अतः आप इन सभी ऑब्जेक्टिव को नोट कर लीजिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए तथा ऑल नोटिफिकेशन ऑन भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो हमेशा इस तरह इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। प्रश्न, गोपुरम का संबंध किससे है? गाय से, नगर से, व्यापार से, मंदिर से? गोपुरम का संबंध मंदिर से है। विजयनगर के सबसे महान शासक कौन थे? ऑप्शन है सदाशिव राय, अचुत्य राय, वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक राजा कृष्णदेव राय जी थे। विजयनगर में अमर नायक किसे कहा जाता था? ऑप्शन है घोड़ों के व्यापारियों को, धार्मिक प्रधान को, नगर प्रशासक को, सैनिक कमांडर को। विजयनगर में अमर नायक सैनिक कमांडर को कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है हरिहर एवं बुक्का ने, देवराय प्रथम ने, कृष्णदेव राय ने, सदाशिव सहाय राय ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। दामिन ई कोह में किन्हें बसाया गया था? ऑप्शन पहाड़ियों को, संथालों को, कोलों को, मुंडाओं को। दामिन ई कोह में संथालों को बसाया गया था। सन 1609 ईस्वी में हॉकिंग्स किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सन 1609 ईस्वी में हॉकिंग्स जहांगीर के शासनकाल में आया था। स्थापत्य कला का सर्वोच्च विकास किस मुगल शासक के काल में हुआ था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। स्थापत्य कला का सर्वोच्च विकास शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? दिल्ली, आगरा, बदायूं, सासाराम में। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल शासक था? ऑप्शन बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से उठाकर दौलतबाद करने का प्रयास किया? मुहम्मद बिन तुगलक, उलादीन खुलजी, फिरोज शाह, इल्तुतमिश। मुहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से उठाकर दौलतबाग करने का प्रयास किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1525, 1526, 1527, 1528। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। जजिया कर किस मुगल शासक ने समाप्त कर दिया? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली, लंदन, कोलंबो, रंगून। बहादुर शाह की मृत्यु रंगून हुई थी। गुलबदन बेगम पेशे से क्या थी? नर्तकी, गायिका, लेखिका, नायिका। गुलबदन बेगम पेशे से एक लेखिका थी। जात का संबंध किससे था? जाति से, धर्म से, ओहदा से और वेतन से और कि खानदान से। जात का संबंध ओहदा और वेतन से था। भारत में आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज। भारत में आने वाला प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली था। अस्थाई व्यवस्था किस गवर्नर जनरल की नीति थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स, डलहौजी। अस्थाई व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस की व्यवस्था थी, अर्थात नीति थी। बंगाल में द्वैध शासन लागू करने का श्रेय किसे जाता है? क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, बैटिंग। बंगाल में द्वैध शासन लागू करने का श्रेय क्लाइव को जाता है, क्लाइव।
भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी, 1605 ईस्वी, 1610 ईस्वी, 1615 ईस्वी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। 1857 की क्रांति को किसने सर्वप्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से कहा? ऑप्शन श्याम जी कुमार वर्मा, वी डी सावरकर, मजूमदार, मार्क्स। 1857 की क्रांति को सर्वप्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहने वाले व्यक्ति बी डी सावरकर थे, सावरकर। भारत में अस्थाई बंदोबस्ती कब लागू की गई थी? ऑप्शन 1773 में, 74 में, 86 में, 1793 में। भारत में अस्थाई बंदोबस्ती 1793 ईस्वी में लागू की गई थी। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने, अकबर ने, सिद्धू एवं कान्हू ने, कि कोई नहीं? संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू ने किया था, सिद्धू एवं कान्हू। भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बंगाल में, पंजाब में, दक्षिण भारत में, इनमें से सभी में। भारत में अस्थाई बंदोबस्ती बंगाल में लागू हुआ था। 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ? 10 मई को, 13 मई को, 18 मई को, 26 मई को। 1857 का विद्रोह 10 मई को लागू हुआ। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1906 में, 1905 में, 1914 में, 1911 में। बंगाल के विभाजन की घोषणा 1906 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसिस बुकानन कौन थे, मतलब पेशे से क्या थे? सैनिक, गायक, अभियंता, सर्वेक्षक। फ्रांसिस बुकानन पेशे से एक सर्वेक्षक थे, सर्वेक्षक जो सर्वेक्षण करते हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1841 में, 1851 में, 1855 में, 1832 में। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सबसे पहला विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन 1820 में, 1857 में, 1885 में, 1810 में। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला विद्रोह 1857 में हुआ था, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। सिपाही विद्रोह के समय अर्थात 1857 में विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेलेस्ली, डलहौजी, बेंटिक, कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था, कैनिंग। बिहार के जगदीशपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे, कुंवर सिंह। बिहार में जगदीशपुर की में क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, कुंवर सिंह। कौन सी कृति है जो सन्यासी विद्रोह को चरम सीमा पर लाया, मतलब उसको विख्यात बनाया? ऑप्शन गीतांजलि, कर्मवीर, कर्मकथा, आनंदमठ। सन्यासी विद्रोह को व्यापक बनाने वाला कृति अर्थात किताब आनंदमठ था। आनंदमठ के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, नाथ गुप्त। आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है? हैदराबाद को, अवध को, झांसी को, कानपुर को। बंगाल आर्मी की पौधशाला अवध को कहा जाता है। मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था? 10 मई 1857 को, अर्थात सिपाही विद्रोह। 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? रिंग फेस नीति, लेप्स का सिद्धांत, चर्बी वाला कारतूस, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। 1857 के सिपाही विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था, चर्बी वाला कारतूस। इस चर्बी में गाय और सुअर का
मिलाकर बनाया गया था, अर्थात इससे हिंदू धर्म का भी नाश होता था और मुस्लिम धर्म का भी नाश होता था। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तात्या टोपे, मंगल पांडे, नाना साहब, बहादुर शाह। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति मंगल पांडे थे। वो व्यक्ति नहीं, स्वयं कहिए भगवान का रूप थे। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, जापान में? इंडिया गेट दिल्ली में है, दिल्ली। अच्छा बताओ, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, हैदराबाद में? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। तो बताओ, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1753 में, 1953 में, 1853 में, इनमें से कोई नहीं। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई थी। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया? 1506 में, 1510 में, 1512 में, 1520 में? इन पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया था। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से पुणे तक, मुंबई से ठाणे तक, मुंबई से कल्याण तक, मुंबई से खंडाला तक? भारत में पहली रेल मुंबई से ठाणे तक चली थी। भारत में पहला हिल स्टेशन कौन था? शिमला, दार्जिलिंग, मसूरी, माउंट आबू? भारत में पहला हिल स्टेशन शिमला था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1902 में, 1906 में, 1946 में, 1948 में? मुस्लिम लीग की स्थापना 1902 ईस्वी में हुई थी। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? कामरेड, अल हिलाल, न्यू इंडिया, यंग इंडिया? कौन? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अल हिलाल। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? चंपारण में, अहमदाबाद में, खेड़ा में, मद्रास में? गांधी जी ने सत्य का पहला प्रयोग चंपारण में किया था। किस आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था? ऑप्शन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दोनों में से कोई नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। पूर्ण स्वराज की घोषणा कहाँ हुई थी? लाहौर में, भोपाल में, बंबई में, कोलकाता में? पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर में हुई थी, लाहौर। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? लाला लाजपत राय, फिरोज शाह, दादा भाई नौरोजी, गोखले? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोखले थे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू ने? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने कहा था, अर्थात यह किसका नारा है? तेग बहादुर सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का, मोतीलाल नेहरू का, भगत सिंह का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का? सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
दांडी यात्रा के दौरान किस कानून को तोड़ा गया? चीनी कानून को, प्रेस कानून को, शास्त्र कानून को, नमक कानून को, इनमें से कोई नहीं। दांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1941 में, 1942 में, 1943 में, 1944 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में। उस मनहूस दिन को कौन भूल सकता है? जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। दांडी कहाँ पर स्थित है, अर्थात किस राज्य में है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। दांडी गुजरात में स्थित है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 19 नवंबर 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किए थे? 1920 में, 1922 में, 1930 में, 1942 में। गांधी जी असहयोग आंदोलन 1920 में शुरुआत किए थे, आरंभ किए थे, और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किए थे। और ये सभी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, तीनों महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। और ये तीनों विशाल जन आंदोलन बना जिससे भारत की आज़ादी की नींव पड़ी और भारत को आज़ादी मिली। देखो जितना कहते हैं ना उतने ही का जवाब दो। और हाँ जी हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलो चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लाल बहादुर शास्त्री, रेड क्लिफ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, सी राजगोपालाचारी। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री 1947 में बने थे। ओह काश जवाहरलाल नेहरू न बनके लाला लाजपत राय बने होते या सरदार वल्लभ भाई पटेल बने होते तो आज इस देश का हाल ये नहीं होता। ज़्यादा बकबक नहीं कीजिए, जो सवाल पूछते हैं वही जवाब दीजिए। समय ज़्यादा नहीं लेना है, ये एग्जाम की तैयारी हो रही है, संसद भवन में डिस्कशन नहीं चल रहा है, समझे? क्या करें, उधरे हुए सियासत के लुटे हुए सुल्तान हैं हम, आदत से लाचार जो हैं। तो बताइए इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी। क्या नेशनल, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सुभाष चंद्र बोस जी किए थे। हाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भंग भंग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? 1904 में, 1905 में, 1906 में, 1907 में। भंग भंग आंदोलन का आरंभ 1905 में हुआ था। किस विधेयक को काला विधेयक के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, रॉलेट एक्ट, एल्बर्ट बिल, शिक्षा बिल, इनमें से सभी। रॉलेट एक्ट को हमारे देश में काला विधेयक के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में आए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, अर्थात
इसके संस्थापक किसे माना जाता है? उमेश चंद्र बनर्जी को, बिपिन चंद्र बनर्जी को, बाल गंगाधर तिलक को, ए ओ ह्यूम को। ए ओ ह्यूम को। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932 में, 1934 में, 1939 में, 1942 में। पूना समझौता 1932 में हुआ था। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग कब उठाई? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम 1940 में आवाज उठाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1980, 1982, 1985, 1990। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, 1885 में। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? बांग्लादेश की स्थापना 1971 ईस्वी में हुई थी। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष और 11 महीना तथा 18 दिन लगा था। अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास कब किया गया? अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास 1872 ईस्वी में किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायालय में, संविधान को? संविधान में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन मौलाना आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत को गणतांत्रिक कब घोषित किया गया? भारत को गणतांत्रिक 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया था। इसी दिन संविधान लागू हुआ था, जिन्हें हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान प्रारूप कमेटी के चेयरमैन अर्थात अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन के एम मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर, बी आर अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1947 को, 13 दिसंबर 1948 को, 13 दिसंबर 1949 को। संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पेश किया गया था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और यही रहा आपका सबसे इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन 2021 के लिए। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब नेक्स्ट वीडियो ज्योग्राफी का है। इसका ज्योग्राफी का सारा ऑब्जेक्टिव इसी प्रकार से लोड होगा। और हाँ, अगर आप हिस्ट्री का पार्ट वन नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे क्लिक करके आप सीधे तौर पे उसके ऑब्जेक्टिव को देख सकते हैं।